हरे कृष्णा। तो आपका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के तीसरे दिवस में आप सबों का एक बार फिर से रिवीजन के लिए चला गया था। आज हम लोग पुनः सेकंड सेशन के सेकंड श्लोक की तरफ जाएंगे। अगर फिर से आपको लगता है कि मैं फंस जा रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ पर डिवोटी बैठे हैं वो हमें बता देंगे, ठीक है। तो आज हम सेकंड में जाएंगे। हम पहले सद्गुरु स्वामी को प्रेयर कर लेते हैं। सभी लोग ये प्रेयर है मेरे साथ दोहरा सकते हैं। नाना शास्त्र विचार है कनिपनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्या शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनंदे अत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो हम सबको समय को चरणों में वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञान इति मन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकाय चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेषाद्वैतवादी पाशाद्य सिद्धार्थे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो मैं सोच रहा था कि श्लोक भी याद हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया है कि आज तीन श्लोक, कल का, आज का और जो कल होगा, हम प्रयास करेंगे कि सेकंड श्लोक कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, बट तीनों श्लोक हम लोग अभी रिसाइट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड पे भी है, आप सब देख सकते हैं। पहले श्लोक से हम रिसाइट करेंगे साथ में, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम गरोपस्थ वेगम एतान वेगान विसहेत धीरा सर्वा भीमां पृथ्वीश शिष्या अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम सभी भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगतो वृत्ते सभी भक्ति प्रसिद्धति। तो ये तीन श्लोक हैं। अभी आगे आने वाले श्लोक जो रहेंगे तो ऐसे करेंगे। तो सेकेंड श्लोक में आप सबों को स्वागत है। अब एक छोटा सा हम रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो पहला श्लोक था वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जो छह वेग हैं, अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे, जो हमने दो दिन पूरे डिटेल में गए हैं, तो अगर यहाँ अगर आप कंट्रोल करेंगे, कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, तो अपने आप को क्या करना है, भगवान के कृष्ण कथा में सोक देना है। सुंदर सा उदाहरण है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को उसमें डुबोए दोगे तो सारे जो मटेरियल अटैचमेंट है आपको बाहर आ जाएंगे। जिस प्रकार से आटे का जो बर्तन होता है वो कितना भी चिपका रहे लेकिन पानी में आप डाल के छोड़ दोगे तो बाहर आ जाता है, राइट। तो हम इसीलिए उन सब अटैचमेंट, जो ये जो वेग है, इसे हम बाहर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें कृष्ण के शरण लेना होगा, जो कि रूप गोस्वामी बताते हैं, राइट। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो श्लोक था उसका हमने इंट्रोडक्शन कल दे दिया था कि कैसे ये जो छह, अगर वो आप नहीं करोगे तो इसको लीड करेगा। अगर आपने वेगो कंट्रोल नहीं किया तो यहां पर आप आओगे। और ये जो चीज क्या है, आपके भक्ति का विनाश कर देगी, विनश्यति विशेष रूप से नाश करेगी, और ये भक्ति में बाधा है। सोचिए कि रूपक गोस्वामी ने कुछ सोच करके, अगला जो श्लोक है जैसे कि भक्तिमान ठाकुर ने लिखा है, छाया बेगा दोमी छाया दोसा सोधी छाया गुना देव दासी। तो पहले छह गुण क्यों नहीं बोला, कोई भी सोते ना पॉजिटिव थिंकिंग, क्यों उन्होंने यहाँ पे पहले ये बोला है, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहले जो दोष है उसको आप हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ने जा रहे हो, दौड़ने के लिए रास्ता अगर बिना किसी हर्डल के है, बाधाओं के है, तो बिजली दौड़ सकते हो, लेकिन हर्डल आगे दौड़ने जा रहे हो, रुक गए, दौड़ने जा रहे हो, रुक गए, तो कैसा होगा भक्ति आपका, राइट। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पहले कहते हैं कि इन सभी बाधाओं को, जैसे अत्याहार, हम देखेंगे आज डिटेल में, अत्याहार
प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, उसमें दो चीज है, आग्रह एंड अग्रह, डिटेल में देखेंगे। जनसंघ, कैसे लोगों से संग करना है नहीं करना है, और लौलियम, ये जो छह चीज है, लालच, वो लालच यहाँ पे भुक्ति और सिद्धि कामी के बारे में बताया, उसको हम देखेंगे आगे चल करके, राइट। तो प्रभुपाद जो पर्पट अगर आप शुरू देखोगे, प्रभुपाद जो पर्पट ले रहे हैं, तो पहला जो पैराग्राफ आप देखोगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारा जीवन उच्च विचार, अगर एक लाइन में उस पर्पट को मतलब पहले पेज को अगर नाम देना है, तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी अत्याहार वगैरह के बारे में शुरू करना चाहिए, मैंने जब बुक खोला तो मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ये दिख रहे हैं, तो इसका क्या कनेक्शन क्या है, तो सोचने के बाद मतलब ऐसे समझा कि एक्चुअली अगर हम सादा जीवन जी रहे हैं तो उधर के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, भक्ति में बाधा नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ शुरुआत होती है, जब हम अपने लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। जब अत्याहार कब जरूरत होती है, जब आपका लाइफ बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स हो। सादा जीवन उच्च विचार रहेगा, सादा जीवन मतलब क्या होता है कि आप बेसिक मिनिमम, प्रभुपाद जी इसी पर्पट में आगे लिखते हैं कि अगर आपके पास गाय है और जमीन है, हाँ, आप सुखी पूर्वक जीवन पर जी सकते हो, जिसको वर्णाश्रम सिस्टम कह सकते हैं, वहां पे आपको और किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, हमें अपने इंद्रियों से, हमारी इंद्रिया जो है, जो वेद है, नियंत्रण में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को देख कर, या फिर मन जो है, हाँ, मन का वेद, वो हमें क्या करता है कि नहीं हमें और चाहिए और चाहिए, उधर आपको फेंक देता है। हम देख सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी, अभी वो डिवोटी भक्त है, लेकिन उसमें खा जाएंगे, तो इसलिए हम उस स्टोरी को कोई बात नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब सादा जीवन रहता है तो उच्च विवाह रहने का मतलब क्या है कि पहले के समय में क्या होता था कि लोगों के घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। आप देखेंगे, आप सोचिए कि ज्वाइंट फैमिली जो होता था उसमें क्या, कैसी बच्चे की साइकोलॉजी तैयार होती थी। मान लीजिए कि उनके माता, उसके माँ ने अपने बच्चे को मार दिया, एक बच्चे को, बच्चा क्या करेगा, वो अभी आज के समय में कोई नहीं है उसका, ना दादा दादी है ना चाचा चाची है। उस समय क्या होता था कि मान लीजिए पिताजी ने माता जी ने मार दिया, बच्चा अपना दादा दादी के पास जाते थे और उसको लार दुलार करते थे ना, बेटा जाने दो कोई बात नहीं, लो ये लो चॉकलेट, और वो शांत हो जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, यू नो, तो वो एक अलग एक्सपेक्ट है ही। साथ ही साथ क्या है कि आप बहुत ज्यादा घुस गए हैं किसमें, कि आपको पैसा बनाना है, अत्याहार करना है। अत्याहार का दो मतलब होता है, ओवर ईटिंग एंड टू मच कलेक्शन। तो ये बाधा है, जितनी जरूरत है ना आपको मिल सकती है आसानी से, बिना कुछ इतना किए हुए जितना लोग आजकल लगे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। इसलिए क्या है, आज के समय क्या है कि लोगों के जो रिलेशनशिप है बहुत ही फिकल है। आपके पास जब तक आपके पास पैसे हैं, दोस्त और जो भी लोग रहते हैं आपके पास रहते हैं, नहीं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन मूल शक्तियां प्रभुपाद जी पहले दूसरे पैराग्राफ में ही बता रहे हैं। तीन मूल शक्तियां क्या है, तो जीव क्या है, तटस्थ है। जीव जो होता है क्या होता है, तटस्थ होता है। अंतरंग शक्ति है और बहिरंग शक्ति है, इसको थोड़ा सा समय देकर के हम लोग समझेंगे। तो प्रभुपाद जी जब हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि आप समुद्र के किनारे जब आप रहते हो, समुद्र को जस्ट या किसी बीच को इमेजिन करो आप, वहां पे देखो कि जो जीव है वो क्या रहता है, उसको चॉइस रहता है। जीव का शास्त्र बताएगा जीव रस रूप है कृष्ण दास, वो उसे चूज करना पड़ता है। तो भगवान के जो तीन शक्तियां हैं, तटस्थता, अंतरंगा और बहिरंगा। तो अंतरंगा का मतलब क्या है, अंतरंगा का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अंतरंगा, ये अंतरंगा शक्ति की जब बात करते हो तो अंतरंगा का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल एनर्जी ऑफ कृष्णा राधा रानी, राइट। तो हम जीव, जैसे जीव का स्वरूप क्या है कि या तो अंतरंग शक्ति का के आश्रय में जाओगे, या फिर बहिरंग शक्ति जो कि क्या है, कौन है, दुर्गा देवी, माया देवी के आप संरक्षण में जाओगे। ये दो चीज है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो या तो अतरंगा में या फिर बहिरंगा में, तो जीव को ये फ्रीडम है, इसीलिए उसे तटस्था कहा गया है। या तो वो उधर जा सकता है, आप कभी कभी समुद्र के किनारे जाओगे तो लहरें आती है और आपको छू के चली जाती है। तो ये जीव के पास ये क्या है, ऑप्शन है कि वो किधर जाना चाहता है। अंतरंगा शक्ति है वो, अगर उसकी तरफ आप जाओगे तो भगवान के क्लोज लाएगी, और बहिरंगा शक्ति की तरफ जाओगे आपको अलग अलग ताप से आपको देगी। तो मेरा आप लोगों से छोटा सा प्रश्न है कि आप कमेंट करके आप लोग भेज सकते हैं कि कैसे आप कैसे समझ सकते हो कि कौन अंतरंगा शक्ति के साथ के अंदर है और कौन बहिरंग शक्ति के अंदर है। आप लोगों के प्रश्न है, आप कैसे समझ रहे कि कोई अंतरंगा शक्ति के अंदर है या बहिरंग, आपका डे टू डे लाइफ जो भक्ति का आप कार्य कर रहे हो उससे आपको ये बहुत बहुत ही कनेक्टेड है। कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा वो वॉइस का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है, स्टटर आ रहा है।
ओके अभी ये और है ना ओके आप देखिए अभी जो मेरा वॉइस है वैसा है हाँ तो आप बता रहे थे कोई बताना चाहेंगे कि अंतरंगा जो है और बहिरंगा जो है हाँ प्रोजेक्ट जो मतलब जब भक्ति में कार्य करते हैं तो जब हमें अच्छा लगे तो ये सच सोच सकते हैं कि अंतरंगा स्थिति के द्वारा भगवान की तरफ जाए और जब भगवान से विमुख होते हैं तो वहाँ पे सिम्टम्स आप भक्तों के लिए सिम्टम्स बताइए ये आपने बताया जैसे कि कैसे देख के बोल सकते हैं कि ये जोड़ी बोटी है ना इसके ऊपर अंतरंगा शक्ति का ज्यादा प्रभाव है और ये जो डिवोटी तो बहिरंग शक्ति का ज्यादा प्रभाव है हम लोग देखते हैं अंतरंग शक्ति जो है देखिए अगर आप क्या है बहिरंग शक्ति का सहारा लिए हुए हैं ठीक है अभी तक हम बाहर की दुनिया में थे ना भक्त बनने से सभी लोग पहले हम लोग बहिरंग शक्ति का सहारा लिए थे उसका आश्रय में थे ना क्योंकि आप खाली नहीं रह सकते या तो अंतरंगा को पकड़ो या फिर बहिरंगा को पकड़ो दोनों में से किसी एक को पकड़ना ही है तो यहाँ भक्त बनने के प्रयास करने से पहले हम लोग बहिरंग शक्ति को पकड़े हुए थे और जब बहिरंग शक्ति को पकड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं अंतरंग शक्ति की तरफ बढ़ने का जब प्रयास करेंगे तो हमें भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आता है कैसे कैसे के उदाहरण क्या है जब आप जप करने बैठते हो तो क्या होता है आपको नींद आता है क्यों अब बहिरंग शक्ति के कंट्रोल में हो एक्चुअली धीरे धीरे प्रयास कर रहे हो बाहर जाने के लिए उससे तो वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि बहिरंग शक्ति का ज्यादा प्रभाव है वहां पे लेक्चर में बैठते हैं हमें नींद आने लगता है राइट क्योंकि हम बहिरंग शक्ति में लेकिन यही इसी प्रकार के जो आप जो सुन के ही हम कान के माध्यम से क्या कर सकते हैं अंतरंग शक्ति को अच्छे से पकड़ सकते हैं ये ध्यान देना चाहिए और इसका उल्टा भी होता है अगर कोई भक्त देखेंगे तो बहुत अच्छा भक्ति के चरम स्तर पे है जैसे कि सन्यासी लोग और महाराजा लोग होते हैं वो अंतरंग शक्ति उनमें पूरा संचार है उनके अंदर तो उसमें क्या होगा अगर बहिरंग शक्ति अगर कहीं जाएंगे वो अगर आप कुछ प्रजप करो या फिर इधर उधर की बातें करो जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो उनको वो बोरिंग लगता है अरे तो ये आप देख सकते हैं या इजीली हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि कैसे हम अंतरंग शक्ति के अंदर हैं या फिर बहिरंग शक्ति के हैं तो कल से स्टैंप लेकर नहीं चलना है बाहर निकलिए बहिरंग शक्ति का सहारा छोड़िए अध्यात्म में हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं क्या स्ट्रिक्टनेस टू वनसेल्फ एंड लीनियंस टू अदर्स जो भी हम प्रिंसिपल या सिद्धांत सीखते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत ही दृढ़ता से अप्लाई करना चाहिए दूसरों के जीवन में ऐसा क्लास नहीं पढ़ लेना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति कैसा कर रहा है ये हमें ध्यान देना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे और भी एक उदाहरण प्रभुपाद जी प्रपट में लिखते हैं स्लो कोट करते हैं 9.13 से कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्तम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतम् आदिमव्ययम् तो इसमें अगर देखेंगे एक जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्या है वो दैवीम जो वर्ड है महात्मा भी है और दैवीम भी है तो जो जो महात्मा किसे कहेंगे ये महात्मा किसे कहा जाएगा जो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है जो अंतरंग शक्ति का सहारा लिया है अगर जो अंतरंग शक्ति का सहारा लेगा उसका बहुत ही बिल्कुल केक वॉक होगा आसानी से आगे बढ़ सकता है अगर जो नहीं लेता है उसके साथ क्या होगा तो उसको त्रि जो ताप है तीन ताप कौन कौन से है आदि दैविक आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक जो क्लेश है आदि दैविक आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक जो तीन क्लेश है उसे परेशान करते रहेंगे और महात्मा हम किसे कहेंगे कौन महात्मा है तो जो दैवी प्रकृति का आश्रय जो लिया हुआ है मतलब जो अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है वो महात्मा है बहुत बहुत से लोग होते हैं कोई सोशल सर्विस का काम करते हैं राष्ट्र में कोई नेशनलिस्ट ऐसे कार्य करते हैं वो महात्मा नहीं कहे जाए जाने क्योंकि उनका उसमें भी क्या एम रहता है कि हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा और कृष्णदास कवि समय क्या कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा और इट्स एज ड्राई स्टूल राइट तो इस प्रकार से देख सकते महात्मा वो नहीं कहे जाएंगे जो सहारा लिए हैं अंतरंग शक्ति का उन्हें हमें महात्मा कहना चाहिए तो ये क्या है ये किसका उदाहरण है आपके आदि दैविक दुख मिजरीज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी जैसे कि भूकंप आना सुनामी आना इसे आदि दैविक कहते हैं ये आपके प्रभुपाद जी पर्वत में लिखते हैं और जो दूसरा है क्या है आदि भौतिक मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी जैसे मच्छर का काटना कोरोना का के समय का जो प्रॉब्लम है ये किसमें आएगा आदि भौतिक और तीसरा जो कारण है वो क्या है आध्यात्मिक ये नहीं ये तो आध्यात्मिक कारण क्या है मिजरीज ड्यू टू अवर ओन बॉडी लिमिट जैसे कि बुखार आना सिरदर्द होना ये कैसे हो रहा है तो मिजरीज ड्यू टू ओन है अपने खुद के बॉडी आपको तकलीफ दे रहा है जैसे आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं इन दोनों कहां कहेंगे आदि भौतिक ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी इसमें आपका पड़ोसी भी हो सकता है जिससे आप झगड़ा करते हो तो वो भी आपको आदि भौतिक में आएगा
आध्यात्मिक ये रहेगा। तो जब अगर आप महात्मा अगर बनेंगे या अंतरंग शक्ति का लेंगे हम सहारा, तो इधर हम नहीं बसेंगे। अदरवाइज अगर नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, माया हमें प्रीत आप देगी। तो माया एक 7.14 अगर शायद मैं गलत नहीं हूं, तो 7.14 में जो श्लोक आता है जो हमने कल भी देखा था, क्या देवेशा गुणामयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यते माया मेता करन्ते। तो आप ध्यान से देखेंगे, प्रभुजी ने भी आप सबको बताया होगा कि वह दैवी वर्ड का मतलब क्यों, आखिर उसे दैवी कहाँ क्यों कहा है, क्यों कहा गया दैवी वहां पर, डिवाइन भैरव शक्ति है उसको डिवाइन क्यों कहा गया, आप लोग बताइए कमेंट लिख के दैवी को उसे दैवी क्यों कहा गया। देवेशा गुणामयी मम माया दुरतया जो क्षण है वहां तक माया की महामाया की बात हो रही है ना, वो भी भगवान की है, भगवान के ठीक है, लेकिन और एक सब कुछ भगवान की है, सब कुछ भगवान से आता है, आपने भक्ति सब सिंधु में पढ़ रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव चीज नहीं आया नहीं, अच्छा नहीं आया। दैवी जो वर्ड है, दैवी वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइन है, इसलिए है क्योंकि माया देवी भी हमें मदद करती है। वो क्या है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो मुझे खुशी नहीं आती है। तो वहां पे उदाहरण देते हैं कि कुछ बच्चे होते खुद से पढ़ करके पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या इंतजाम किया जाता है, ट्यूटर का। तो कृष्णा हम लोगों ने अंतरंग शक्ति का सहारा नहीं लिया, तो क्या किए, ट्यूटर को भेजे, वो है दुर्गा देवी, जो कि जेल में इस भौतिक दुनिया में बांध करके अलग अलग ताप देकर हम समझाने का प्रयास करती है। इसलिए जो दैवी वर्ड है ना, इसलिए है क्योंकि उसका कार्य बहुत थैंकलेस है, वो नहीं चाहती फिर भी करती है हमारे सुधार के लिए। तो मैंने देखा, तो अभी एक और चीज प्रभुपाद जी परपट में वहां पे लिखते हैं, वास्तविक समस्या, वास्तविक समस्या क्या है जीवन का, और उसका परिभाषा आपको बताना होगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर कोई लिख रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यस, क्यों, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये इससे कोई बच नहीं सकता, करेक्ट, डिवाइस का तीसरा सेशन ठीक है। तो ये जो क्या है वास्तविक समस्या हमारे जीवन के क्या है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, सॉरी ये गलत साइड आ गया, या तो ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार रियल प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का। उसे रियल प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को आप रियल प्रॉब्लम कह सकते हैं जो कि क्या है कॉमन टू ऑल, सभी को होता है, जैसे प्रभुजी ने बताया कॉमन टू ऑल, कोई नहीं चाहता है, नोबडी वांट्स इट बट एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट। मैं तीन चीज बताया जो डेफिनेशन सेट में है, कोई नहीं चाहता है, सबको मिलेगा और कोई भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता है, तो बर्थ है, कोई भी चीज उसे मिलेगा ही मिलेगा, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बर्थ ओल्ड एज। तो अगर आप बहिरंग शक्ति का सहारा लोगे तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये देखिए, अगर आप बहिरंग शक्ति का सहारा लेंगे तो घूमते रहिए गोल गोल इस दुनिया में, तो अगर अंतरंग शक्ति का सहारा लेंगे तो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो वास्तविक समस्या जो हमारी ये है। आजकल जो लोग समझते हैं, जो खास करके प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि कौन, साम्यवादी एंड पूंजीवादी, दो वर्ड भगवान तीन चार बार अलग अलग जगह पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो किसको कहते हैं साम्यवादी और किसको, कम्युनिस्ट को, साम्यवादी कम्युनिस्ट को और पूंजीवादी कैपिटलिस्ट को, इंग्लिश हिंदी चाहे ठीक है। तो पूंजीवादी वो लोग हैं, ऐसा एक्चुअली पूंजीवादी लोग समझते हैं कि हमें समाज में क्या करना है, पूंजीवादी सिस्टम में क्या होता है कि समाज के कुछ वर्गों के लोगों के पास ही पूरा संपत्ति जमा रहता है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ विशेष बिजनेसमैन उनके पास पूरे, मतलब 80% ऑफ मनी इज देयर इन 20% पीपल्स हैंड, 80% जो पैसा है वो केवल 20% लोगों के साथ है। तो कम्युनिस्ट लोग क्या सोचते हैं, ये सही नहीं है, इतने लोग दुख से मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब समानता का अधिकार लाए हैं, साम्यवाद, कम्युनिज्म साम्यवाद कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कृष्ण केंद्र नहीं है तो वो साम्यवाद नहीं लाते, क्योंकि अगर वो साम्यवाद कहते भी हैं तो उसमें भी कहते हैं कि ये समान है लेकिन हम ये अच्छे वाले समान है, मतलब वहां भी जो अपने आप कैटेगरी कर ही देते हैं और वहां पे उनका एम क्या है, सेंसिटिविफिकेशन होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक्चुअली क्या है कि जो भी है, जो साम्यवादी लाने से ना हमारा जो ये आर्थिक समस्याएं सॉल्व होंगी और ना ही पूंजीवादी लाने से, क्योंकि जो अत्याहार जो अभी आने वाला है, अत्याहार का जो का प्रॉब्लम है ना, इन लोगों के कारण से ही है, वो लोग सोचते हैं कि सॉल्व कर देंगे अत्याहार का प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या है और क्रिएट करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है किसी कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है और सब कुछ भगवान का है, तो आप देख सकते हैं आर्थिक समस्या कहाँ है। कभी देखा आपने चिड़ियों का मीटिंग हुआ है, जानवरों का मीटिंग हुआ है कि आर्थिक समस्या हो गई है, नहीं,
बट मनुष्यों के जीवन में होता है। क्यों? क्योंकि वे प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हैं, राइट। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पृथ्वी के गर्भ में प्रभुपाद जी लिख रहे कोई समस्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या हो गए, कृष्ण से विमुख हो गए हैं, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, अगर एक लाइन में कंक्लूड करना है तो क्या, अगर आप सादा जीवन रखेंगे, अंतरंग शक्ति का सहारा लेंगे, तो आपको कोई भी आगे की बाधाएं नहीं आएंगी। जो कि पहला बाधा क्या है आपका, अत्याहार। अगर सिंपल जीवन है तो ये आपके लिए इनवैलिड पॉइंट है, ये आपके लिए लागू नहीं होता। तो अत्याहार का मतलब क्या है, ओवर ईटिंग एंड या फिर टू मच कलेक्शन, ज्यादा खाना खाना या फिर कलेक्शन करना बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी वहां पे कोट करते हैं कि अगर कहीं रास्ते में एक बोरा चावल गिर जाता है तो चिड़िया क्या करेगी, एक मुख में जितना खा सकती है खाएगी और चली जाएगी, लेकिन इंसान पूरा बोरी उठा लेगा और उसको ले जाके ले जाएगा घर में। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जानवर होते भी स्टोरी मेंटालिटी नहीं है। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप आवश्यकता से ज्यादा स्टोरिंग करके, अभी जो भी प्रॉब्लम होते हैं क्या करते हैं लोग, अभी कम दाम में आलू का नहीं बेचेंगे, कोल्ड स्टोर में डाल देंगे, और जब महंगा हो जाएगा वो स्टोर कर देंगे, तो बाजार में कमी हो जाएगी, दाम बढ़ जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे। तो इनका प्रॉब्लम है टू मच कलेक्शन समाज में ऐसा करके। तो लेकिन ये इंसानों के बीच में है, इसीलिए जीडीपी ऊपर नीचे और आर्थिक समस्या आती है। लेकिन जानवरों के बीच में भी कभी ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा क्या है, ओवर ईटिंग, इस प्रकार से अरे इतना ज्यादा आपका खाने का वो रहता है कि ये समझ में नहीं आता कि हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति, भक्ति और जीने के लिए खाना है, जितना शरीर को जरूरत पड़े। अगर हम चारे को कोट करने लगे तो भी भक्त बता रहे थे कि भक्ति सरस्वती ठाकुर जब चतुर्मास में क्या किया था उन्होंने, एक छाता लेते और हाथ में क्या था उनके, जप माला रहता था और दिन भर रात भर जप कर रहे थे। कैसे खाते थे, कोई भिक्षा लेके गया तो हाथ से नहीं खा लेते, ऐसे झुकते थे मुंह में खा ली बस जितना आ गया। तो ये तपस्या करते हैं। सारा जीवन को उदाहरण देखेंगे तो एक्सट्रीम में जाएंगे तो रोमस ऋषि, अपने नाम सुना है रोमस ऋषि का, तो उनका क्या है, एक बार इंद्र उधर से जा रहे थे, इंद्र अपने प्लेन से, अरे अरे बाबा जी अगर झोपड़ी उपड़ी लिए क्या, ठंडी में हिमालय पे बैठे थे कहीं ऐसे जगह पे, ठंडी लग रहा है थोड़ा सा घर बना लो, तो उनके पास उतर गए नीचे, बोले बाबा घर बनाते हैं, बुलाते हैं विश्वकर्मा को, अपना ही आदमी है ज्यादा पैसा वैसा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो जब कर रहे ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, तो बोले नहीं चाहिए, बोले अरे यार समय नहीं है मेरे पास भगवान की भक्ति करने के लिए, तुम जाओ अभी कभी बाद में देख लेंगे। आपको पता है रोमस ऋषि का लाइफ क्या है, ब्रह्मा का लाइफ क्या है, 3.11 trillion ईयर्स, मतलब अब बहुत लंबा आयु है, आप उसे असंख मान सकते हैं एक पॉइंट से हमारे कैलकुलेशन के अनुसार से, तो 3.11 trillion ईयर्स उनका लाइफ है, राइट। उसमें सॉरी ये हमारे एक्स्ट्रा एक्शन हो रहा है, ये मच्छी बैठ गई है, इसे हो रहा है उल्टा, इसको भी चाहिए उसको दिख गया, एनीवे दो दो आ गए अभी तो ठीक है, अब लोग जब जाएगा तो मैं क्या बता रहा था, किसका बता रहा है, लोमस ऋषि का। तो लोमस ऋषि वहां बताते हैं कि मेरे पास समय नहीं है भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए सब घर घर में कौन लगेगा, उनका लाइफ क्या है, ब्रह्मा का खुद का लाइफ 3.11 trillion ईयर्स है, और एक ब्रह्मा मरते हैं, ब्रह्मा भी जीव है वो भी मरते हैं, उनके 100 साल के बाद जब वो मरते हैं तो उनके लोमस ऋषि से एक बाल गिरते हैं नीचे, और उनके शरीर में जितने बाल हैं जब तक गिरेगा नहीं तब तक वो मरेंगे नहीं। तो सोचिए उनका लाइफ कितना बड़ा है, और वो सोच रहे हैं क्या, अरे छोड़ो यार सब घर द्वार बनाना और संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, प्रैक्टिकल बनो प्रभु प्रैक्टिकल, बट हमें जितना नीड है उतना करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे ना, एक छोटा सा लैंड लो और गाय लो और हो जाएगा, और अब और इस्कॉन में बहुत से लोग ऐसा भी करने का प्रयास कर भी रहे हैं, हम आप हमें सब हमें लोगों को देख सकते हैं, इतने सारे साधु हैं, हमें छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में इतने सारे साधु हैं, वो एक रुपये कमाते नहीं हैं बट भगवान का सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार से कहीं पास में लैंड है वहाँ जो भी कुछ उगा पाते हैं या तो जो भी उनको मिलता है उसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, राइट, ये हम देख सकते हैं। लेकिन अन्य से भी कलेक्शन जो है वो प्रॉब्लम है। हमारा सुपरस्टार एक है, अगर फोटो गलत होगा तो माफ कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं जस्ट एक चले जाओ आप लोग, आपका खाना चले गए नहीं जाएंगे ठीक है। तो चरवाक ऋषि का क्या प्रिंसिपल था, किसी को याद है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे यावत जीवे सुखम जीवे भस्म भूतस्य देह सब पुनरागमन कृता, ऐसा कुछ श्लोक है कि जीना है तो जियो, लेकिन ऋण लेना है तो ऋण लो उधार लो, लेकिन घी पे के जियो, घी पी के रहना है, मतलब क्या, भोग विलास, हाँ टू मच इटिंग टू मच कलेक्शन, किसके लिए,
मतलब सेंसिटिफिकेशन के लिए करना है। क्या नाम है? चार्वाक से। चार्वाक का फिलोसफी ऐसा आपको मिलेगा। राइट, तो चार्वाक से ये फोटो अगर गलत हो तो उसके लिए माफ कीजिए, मैं जैसे इंटरनेट से कोई फोटो लिया हूँ। राइट, तो चार्वाक ऋषि ऐसे थे, विनम कृत्वा घृणम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत। तो ये नॉर्मली जो आजकल के लोग होते हैं वही करते हैं ना। मैं एक बार, मैं इससे पहले टीचिंग लाइन में था, तो मैं जब जहाँ जॉब के लिए जाता था तो जो ड्राइवर लेने के लिए आता था, तो जब मैं वहाँ जा रहा था तो देखा बहुत सी फैक्ट्रीज थी, तो मैं देखा बड़ा अच्छा अच्छी फैक्ट्रीज है यहाँ पे। तो उसने एक इंसिडेंट शेयर किया, स्टोरी को छोटा करेंगे, तो उसने बताया कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके जो गाँव में रहते हैं बिजली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, उनके पास फ्रिज है, एसी है, सब कुछ खरीद रखे, क्योंकि ईएमआई का जमाना है, हाँ लोन का जमाना है। तो बता रहे थे कि इतना ज्यादा लोगों में ऐसी भावना आ जाती है कि ऋणम कृत्वा, कैसे सैलरी उनका 30,000 है, हाथ में कितना मिलता है तो 7,000 मिलता है, क्यों, क्योंकि सब ईएमआई भर रहे हैं। इतना पॉइंट ना, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल परचेज द थिंग्स विच दे डोंट वांट विद द मनी विच दे डोंट हैव टू इम्प्रेस समवन टू हुम दे डोंट लाइक। मतलब एक चतुर्ण चरण को एक लाइन बोलते हैं कि लोग कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, और उस पैसे से जो उनके पास भी नहीं है वो कैसे, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसके द्वारा खरीदते हैं। तो कुछ तरह से उनके ही फॉलोअर हैं लोग, ज़्यादा उस एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे, बट इस प्रकार से अत्याहार और उसमें जाते हैं। और चीज़ क्या है कि वो करते हैं तो उनके पास भक्ति का समय नहीं मिलता, क्योंकि सादा जीवन से क्या होगा, आपको भक्ति करने का समय मिलेगा, लेकिन अगर सादा जीवन नहीं जी रहे हो तो आपका पूरा समय इसी में जाता है। तो प्रश्न आता है क्या भक्त को भी अत्याहार करते हैं क्या। एक भक्त की स्टोरी है, एक भक्त थे, नाम याद नहीं, बट विदेशी भक्त थे, वो किसी मंदिर में आए थे, तो उनको हलवा बहुत प्रिय था, ऊपर से बटर बनाना हलवा, अगर कभी आप लोग यहाँ पे आओ तो हम बना के खिलाएंगे। तो बटर बनाना जो हलवा है, अरे बटर बनाना जो हलवा था वो बना, और वो प्रभु जो थे क्या कर रहे थे कि उसे खाने के लिए बैठे, तो सब लोग लाइन में बैठे थे, इस नॉर्मली लाइन में बैठते हैं, तो खाना शुरू किए, तो खाना शुरू सब कुछ खा रहे थे, लेकिन उनको हलवा प्रिय लगा, जो सर्विंग कर रहा था बहुत ही नम्र भक्त था, हाँ प्रभु जी को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम छोड़ देते हैं, हम वहीं पे बकेट छोड़ के चला गया, सब लोग चले गए थे लाइन से, वो क्यों बैठ के हलवा ही खा रहे थे, ऐसा लगा तो लगा कि सर प्रभु जी को ज़्यादा अच्छा लगा है, ऊपर से फौरन बड़ी था, तो जाके जाने दीजिए प्रभु जितना खाएंगे तो खाएंगे, तो वो खाए तो खाए, बकेट में जो बचा रूम में लेके चले गए, और रूम में जाकर देखा थोड़ी देर के बाद उसको पूरा ही खा गए, इतना खा गए कि कभी अगर किसी ने ओवर ईटिंग किया है तो उसे पता चलेगा, सांस लिया नहीं जा रहा और एकदम एकदम लगा कि अब क्या होगा। तो डिवोटीज लोग आए, उसे चलो कुछ तो करते हैं, तो ठीक है दवाई, डॉक्टर आया दवाई भी नहीं, दवाई कहाँ खाए, जगह ही नहीं थी, यहाँ तक हवा भरा था, दवाई डाल रहे थे तो दवाई के अंदर जाने का जगह नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया पता है आपको, उसको ऑपरेशन किया गया, पेट फाड़ के हलवा बाहर निकाला गया। तो ये अत्याहार जो ओवर ईटिंग का, हम लोग कभी उस रेंज में नहीं जाना चाहिए, तो कभी कभी सेंसेस हमें इतना, अगर हमें जिह्वा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए बता रहा कि ये बाधाएं हैं हमारे भक्ति मार्ग में रहने के लिए, हाँ कि अगर हम क्या करेंगे कि आहार और इसमें निद्रा में लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यहाँ तक होता है। और दुख की बात पता है क्या है, वो भक्त के साथ ये एक्सीडेंट एक बार नहीं हुआ, दोबारा हुआ दोबारा। तो इस प्रकार से अगर टंग पे कंट्रोल नहीं है तो हमें सॉरी फिगर होना पड़ सकता है। राइट, स्पीड ठीक है ना, थोड़ा हाँ सर ओके, तो अब हम थोड़ा धीरे करने का प्रयास करेंगे, मैं लेकिन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। एक्चुअली जैसे इस प्रकार आप लैपटॉप में देखते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है तो वो गलती से मेरे साथ वैसा है, मैं शुरू से ही ऐसे बोलता हूँ, बट मैं प्रयास करूँगा कि मैं धीरे बोलूँ, कृपया आप इसके लिए मुझे क्षमा करें, तुरंत कमेंट कर सकते हैं आप, तो मैं धीरे हो जाऊँगा थोड़ा सा, बट आई होप अभी तक हम रिविजन करने की जरूरत है ना, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और हमें सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं, किसका उदाहरण, तो हम देखें फिर से बच्ची उन्होंने इसके साथ इफेक्ट, तो रघुनाथ दास को सभी लोग उदाहरण देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे, उनका जो अत्याहार एक अदर एग्जाम्पल है, बट जो रोटी क्या होते हैं नेचर, कम से कम जितनी उनको जरूरत है उतना लेते हैं। रघुनाथ दास को सभी कितना पीते थे, जगन्नाथपुरी में 3 handful हाथ चुल्लू भर में ऐसे छाछ पीते थे, और उसको भी कहते थे कि माय लॉर्ड मेरा समय बर्बाद हो रहा है इसको करने में। राइट, तो इस तरह से रहते हैं, खैर अगर हम उस वैसा उनको जैसे भक्तों को फॉलो नहीं करना चाहिए तो हम हालत खराब हो जाएगी, बट जितना जरूरत है उतना ही रहना चाहिए, ताकि अगर ये प्रॉब्लम अत्याहार का नहीं रहेगा
आप अत्याहार कर सकते हैं, पता क्या पॉजिटिव सेंस में, अगर जो फिर से अगर हम बाहर वापस जा सकते हैं, जो बहिरंग शक्ति का सहारा लेगा वो इनके चपेट में आएगा, ओवर ईटिंग, टू मच कलेक्शन, राइट, क्योंकि क्योंकि क्या करना है, लोग क्यों ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हाँ उनको लड़कियों को दिखाना है, इनको दिखाना है, अपने पड़ोसियों को दिखाना है, इसलिए सब कुछ करते हैं। बट अगर आप कलेक्शन ही करना है, भक्त कैसे कलेक्शन कर सकते हैं, तो अत्याहार करो अच्छे गुणों का, अच्छी भावनाओं का कृष्ण के प्रति, उसका आप ये कर सकते हैं, राइट, तो वो हम कर सकते हैं अत्याहार, वो अलाउड है, ना कि केवल जैसे अत्याहार भक्तों को, भक्तों कैसे अत्याहार करते हैं, स्पेशल इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो जैसे अत्याहार कैसे करते हैं, तो जैसे कि हार्ड डिस्क देखा है आपने, तो भक्तों को तो अच्छा ये अच्छा है क्या, चलो मुझे मुझे दे दो, तो पेन ड्राइव लाते हैं, हार्ड डिस्क लाते हैं, उसमें टीबी और क्या क्या बी होता है उसमें पूरा भर के रखते हैं, सुनने का समय नहीं, तो ज्ञान कितना है मैटर नहीं करता, अगर सही ज्ञान आप लेते हैं तो वो मैटर करेगा, राइट, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए कि बुक का कलेक्शन करके रखने से फायदा नहीं होगा, आप उसे जो उचित बुक है जो कृपा जी ने बताया उसे पढ़िए, हमें उससे लाभ होगा, राइट। तो ये भी उदाहरण आता है कि क्या होते हैं लोग सिंपली लिविंग, पहले का जो जीवन क्या था, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन अभी क्या है, हार्डली थिंकिंग, राइट, सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग, वो इधर कट गया जी, राइट। तो कुछ लोगों का जीवन कैसे है, अभी आप देखोगे ऐसे ऐसे लोगों को जानते हो, अपने ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके जब उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कितने कितने साड़ियां हैं, तो 50-100 हज़ार कितनी कितनी साड़ियां थी, कितने सेट के सैंडल थे, हाँ, तो इस तरह की चीज़ें रहती है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी क्या होती है, 5-6 फ्लोर की तो केवल गाड़ी पार्क करने की जगह होती है, तो ये क्या है, अत्याहार का उदाहरण है निगेटिव सेंस में, राइट। इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखिए सिंपल सा बात है, आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, रोटी ही खाएंगे, और कहाँ सोएंगे, इतने से जो बेड होता है उसमें ही सोएंगे, तो आपके 500 रूम है, आपको क्या आधा घंटे करके 500 रूम में सोएंगे, नहीं ना, आप एक ही रूम में सोओगे, लेकिन अननेसेसरी ये चीजें करना, क्योंकि आप प्रॉब्लम क्या है इसमें करने में, बोलिए क्यों बार बार मना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब इसमें आप लगे रहोगे तो समय कहाँ है भगवान की भक्ति करने के लिए। अब फिर क्या बोलते हो, पापी पेट का सवाल है, नहीं पापी पेट का सवाल नहीं है, आपके पापी मन का सवाल है, तो नियंत्रण में नहीं है, पापी पेट का सवाल है तो आप आ जाइए, तो बात जी बताते थे कि हमारे मंदिरों में आइए, 4 नियम का पालन कीजिए और थोड़ा सा सेवा कीजिए, आपको सारी खाने के लिए प्रसाद मिलेगा और रहने के लिए आपको शेल्टर भी मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, पापी पेट का सवाल नहीं, पापी मन के पीछे भाग करके और इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है इसलिए चीजें करते हैं। तो आपके हर प्रॉब्लम क्यों है, बाधा क्यों है, क्योंकि वो हमें आगे नहीं बढ़ता, भक्ति के मार्ग में बाधा है, वो करेंगे तो हमारे पास समय नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ने देंगे आज, राइट। तो ये अत्याहार है, किसी का इसको कोई कुछ प्रश्न है तो पूछो, प्लीज कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ठीक है, इनको भी खेलने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो प्रयास अच्छा, थैंक यू प्रभु, तो प्रयास अत्याहार प्रयास अच्छा, ठीक है, तो प्रयास का मतलब क्या है, ओवर एंडेवरिंग, क्योंकि क्या है, आपको अत्याहार करना है, टू मच कलेक्शन करना है, टू मच खाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रयास भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा, आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, अगर सिंपल लिविंग रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन क्या किया आपने, टू मच कलेक्शन किया है, कनेक्शन करना चाहते हो, फिर प्रयास भी बढ़ाओ, फिर बोलते हैं जाओ बस के पीछे पीछे भागो, इंसान का अभी आज के डेट में देखिए लोग क्या नहीं करते हैं, बड़ा फ्लैट चाहिए, वो बॉस का मतलब गुलाम बन के रह गए हैं, लोग कहते हैं कि 4 वर्ण सिस्टम है ना, मनुस्मृति में गलत दिया है, उसे फाड़ के जला देना चाहिए, जला दो, लेकिन आप हटा नहीं सकते, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 4th अध्याय में क्या, चतुर्वर्णमया सिस्टम गुणा कर्म विभाग सा मया, मैंने बनाया है, उसे आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ये आज भी है ना, बॉस क्लास, ऑफिसर क्लास, क्लर्क क्लास, किसने बनाया, भगवान ने, आपने बनाया ना, तो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, उसे आप अलग नहीं कर सकते हो, स्पेशल इफेक्ट पे कहाँ पे जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे जाएंगे, अभी जाएंगे, ठीक है, तो ये आपने इसलिए प्रयास नहीं कर पाए, इससे इससे भाई तो फिर हो जाएगा, Thank you.
ये गांव में था मंदिर के पास कभी कुछ हम दूसरे मार्ट वगैरह जाते थे कुछ खरीदने के लिए तो देखो जब जाते थे रास्ते में तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम को जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए लोग अपना करते रहते थे। तो जो चीज है खाली समय है गांव में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है इस प्रकार से अब जब सिटी हो गया है इस प्रकार से बदलते रहते हैं। तो जिस प्रकार से देखा तो चूहा शुरू में जब था सारा जीवन था टेंशन नहीं था जैसे आप आगे बढ़ते क्यों अत्याहार बाधा आ गया भक्ति में
अत्याहार, जैसे कि आपने भक्ति में बाधा आ गया क्योंकि अत्याहार रूप प्रयास। और देखिए कितना कंपटीशन है, आप देख रहे हैं कि ना, अब ये कहीं क्यों छो, क्या ये मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, या मेट्रो की सिचुएशन आप देख रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल है, वह है। और क्या फाइट नहीं है, हर एक जगह आप कहाँ भी जाओ तहाँ लाइन है, दवाई के लिए डॉक्टर से मिलने का लाइन है। अभी कोरोना में देखा आपने लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ये सब प्रॉब्लम क्या है, अत्याहार और प्रयास को लीड कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है, आपको भक्ति करने में बाधा है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। यही देखिए लोग जो गांव में हैं उनको लगता है तो मीडिया के माध्यम से बमांडमेंट हो गया है, हम गांव में रहते हो सुखी नहीं हो, सुखी है एक्चुअली, मेरे एक रिलेटिव गांव में रहते हैं, लेकिन तीन बहन है वो लोग, एक बहन गांव में रहती है, दूसरे लोग थोड़ा उनके पति जॉब पे हैं, पहले वाले किसान हैं, तो उनको हमेशा लगता है कि यू नो तो मेरा लाइफ में थोड़ा मेरा हस्बैंड जॉब वगैरह रहता, तो एक्चुअली कुछ भी खाने की कमी नहीं है, ना खाने की कमी है, पक्के का घर है, मतलब उस हिसाब से देखे तो जो बाहर के लोग आनंद देना चाहते हैं टीवी पे जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि मेरा भी हस्बैंड अगर वहाँ रहता तो अच्छा लगता। इसी प्रकार से जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें सोचते हैं कि उनको आनंद कहाँ मिलेगा, जो चूहा घर में था रैट रेस में नहीं था वो, लेकिन जैसे गांव से शहर में जाता है तो टाइफूट आता है, देखा आपने उसको टाइफूट आ जाता है, उसी प्रकार से गांव से लोग शहर जाते हैं, क्यों, शहर में जाएंगे तो उनको लगता है कि लाइफ जीवन, लेकिन वहां से फिर छह लॉटरों का चक्कर चालू हो जाएगा, तो गांव से शहर जाएंगे, शहर मतलब मुंबई दिल्ली, और उनसे भी नहीं मन भरता जो मुंबई दिल्ली में है, जो गाँव में है तो मुंबई दिल्ली जाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मुंबई दिल्ली में सब बाहर शहरों में है वो कहाँ जाना चाहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी, और जो वहां पे कहा जाएंगे चांद, और जो चांद भी जा सके हैं मंगल, और बुध बृहस्पति करते रहेंगे बैठ के। तो ये जो चाह है ना, ये जो प्रयास है एक्स्ट्रा टू मच एंडेवर पर दिन, वो गड़बड़ है जी। आप अगर ये सब चीजें करते रहेंगे तो हमारे पास भक्ति के लिए समय कहाँ मिलेगा। छोटा सा एक और उदाहरण याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति था, प्रैक्टिकल उदाहरण है, हम पुणे में थे तो उस समय देखा एक व्यक्ति को सैलरी थी कुछ जो भी रहे 40-50 हज़ार सैलरी थी उसके पास, लेकिन उसके बाद क्या होता है उसको 50,000 सैलरी होने के बावजूद बॉस ने क्या बोला कि आप 12 घंटे तो जॉब करते हो 4 घंटे और बढ़ा दो आपको 20,000 सैलरी बढ़ा देंगे, तुरंत घंटी बच जाता है, क्यों वो पैसा देखा ना आपने तो तुरंत घंटी बच जाता है, अच्छा 20,000 बढ़ जाएगा कितना अच्छा हो जाएगा, तो करना ना सर करेंगे ना सर 16 घंटे जॉब करेंगे, लेकिन 16 घंटे जॉब करते समय क्या होता है आप टेंस जाते हो, आप देखो कभी कभी चश्मा क्यों आ जाता है कि आप सिस्टम के सामने बैठे रहोगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो व्यक्ति जो क्या था इतने सारे टेंशन ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो घर का टेंशन ये सब चीज़ें सोच सोच के जो भी हो उसको बैक मतलब घर में उतना काम करते करते उसे बैक पेन आता है, और पता होता है 3-4 साल के बाद जो डॉक्टर को खर्च देना शुरू करता है तो पता चलता है कि जितना वो 40,000 कमाता था 50,000 और जो 20,000 उसको एक्स्ट्रा हुए दोनों बना दो क्योंकि मेडिकल को बिल में उतना 20,000 रुपया देने लगा पर मंथ के, अब समझ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इंडिवर क्या करेगा, आपको अननेसेसरी कम्प्लेक्स बना रहा है, लोगों के जीवन में छोटा सा स्मार्टफोन भी क्या रहता है सही रहता है, लेकिन आपका सादा जीवन है छोटा फोन भी चलता है, स्मार्टफोन ही रखिए लेकिन उसमें भी क्या नहीं, लेकिन हमको आईफोन चाहिए तो फिर प्रयास कीजिए पूरा दुनिया भर का, और चाटिए अपने बॉस के पैर को हमेशा। तो इसलिए हमें किसके पीछे भागना है, कृष्ण के पीछे भागना है, किस दुनिया के कर्मी किसी व्यक्ति के पीछे भागना है, हमें डिसाइड करना है, हमें चुनना है कि किसके पीछे हमें भागना है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं उसी प्रकार से, तो क्या जरूरत है इतना खनन करने के लिए, जहाँ पे मेट्रो बनाने के लिए आप खनन करते हो, क्यों, क्योंकि आपने सिंपल जीवन छोड़ करके तो आज आप टू मच इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। एक प्रश्न था वो पूछ लीजिए, क्या बोलते हैं कि भक्ति में तो हथियार कर सकते हैं, प्रसाद के बारे में था ना, प्रसाद में और भक्ति ज्यादा प्रयास तो कर सकते हैं। हाँ तो हमने बताया कि प्रयास, हमने देखा कि कैसे टू हम क्या कर सकते हैं, अत्याहार अच्छे गुणों का अत्याहार कर सकते हैं, अच्छी भावनाओं का कर सकते हैं, ये था। और खाने के संबंध में कुछ था, हाँ ज्यादा प्रसाद खाना और भक्ति में ज्यादा प्रयास करना गलत है पूछ रहे हैं, हाँ, पूछ रहे। तो ज्यादा खाना खाना जगन्नाथपुर में आप बोल सकते हो कि वहाँ पर एडवांसमेंट आपके खाने से होता है इन जनरल, बट प्रिंसिपली सो हमें आपकी जैसे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सबको समान खाना है, आपकी क्षमता के अनुसार खाइए। जो भीम खाना खाते थे तो अत्याहार नहीं था, बट वो क्या करते थे जितना पूरी पांडव खाते थे, मतलब पांडव जो और दूसरे भाई लोग थे वो जितना खाते थे वो अकेले ही खाते थे, लेकिन उतना वो सेवा भी करते थे, तो अपनी क्षमता के अनुसार खाइए, राइट। ऐसा खाने के बाद आपको गोली लेना पड़ रहा है तो वो अत्याहार है और वो गड़बड़ है। भगवान का प्रसाद आप खा सकते हैं जितना आपके सेटिस्फेक्शन तक, लेकिन वो एक बैलेंस होना चाहिए, तो क्या होगा वही आप प्रॉब्लम आएगी कि जिह्वा वेगन से क्या होगा पेट भारी होगा और फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आने से फिर दूसरे वेग भी चालू हो जाएंगे, इसलिए वो प्रॉब्लम है। इसलिए
रेगुलर प्ले में उसे भी हमें लेना चाहिए। तो अत्याहार देख लिया हमने, प्रयास भी देख लिया, अभी है प्रजल्पा। तो प्रजल्पा क्या है? वो चीज है जो आपको भगवान से दूर करती है। प्रजल्पा मतलब यूजलेस टॉक, एक लाइन में बोलेंगे तो बकवास की बातें जो हम करते रहते हैं। कोई भी चीज अगर कृष्ण को केंद्र को छोड़ करके कोई और आप करने का प्रयास कर रहे हो तो प्रजल्पा है। जैसे कि यहाँ पे दो माताएं बात कर रही हैं, आप देखोगे तो खूब एक घंटे तक बात करेंगे। अब सब क्या करेंगे, हमें क्या करना, आप लड़का ही करेंगे। एक घंटे तक बात किया उसके बारे में, लास्ट में जाओ दिया, छोड़ो इसको, हमको क्या करना है, राइट ना। तो इस तरह की चीजें चलती है बार बार। हाँ पता है क्या, उसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ। तो ये क्या है, प्रजल्प है, जो कि आपको कहीं भी लेके नहीं जा रहा है, राइट। तो प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं इसका, किसका, एक जो फ्रॉग है टर टर करते रहता है, जो कर्मी लोग रहते हैं बिना मतलब के स्पोर्ट्स की बातें कर रहे हैं, इधर की बातें कर रहे हैं, उधर की बातें कर रहे हैं, वो किसका उदाहरण में आता है आपके, किसके, प्रजल्प के। वो प्रजल्प कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मेढक और संत का उदाहरण हम किसके ले रहे हैं, प्रजल्प ले रहे हैं। लोग फालतू में बैठ करके फिशिंग करते रहते हैं, टीवी वॉचिंग करते हैं, तो वहां से प्रजल्प को बढ़ावा मिलेगा एक तरह से, राइट। तो एक और जगह शास्त्र में जैसा उदाहरण आता है, जहाँ पे रूप गोस्वामी, एक बार रूप नारायण करके एक व्यक्ति था, पहले के समय में क्या होता था, शास्त्रार्थ होते थे। तो रूप नारायण को पता चला कि मंदावद्वीप में ऐसे कुछ गोस्वामी जी, अगर उनको जब तक आप हराओगे नहीं तो दिग्विजय पंडित का आपको टाइटल नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पे चले आए और रूप गोस्वामी को उन्होंने चैलेंज किया, रूप नारायण ने। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि इन लोगों से लड़के क्या फायदा, जब उन्हें शास्त्रार्थ करके क्या फायदा होगा, मेरे पास भक्ति का समय नहीं, मतलब वो भक्ति कार्य कर सकते हैं उसमें अननेसेसरी, बिना मतलब ये क्यों करूँ मैं, ऐसा करके उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि ठीक है क्या करना है, मैं हार कष्ट करना है तो मैं स्वीकारता हूँ। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं हार गया, और ऐसा करके उन्हें भेज देते हैं। तो ये क्या है, प्रजल्प उन्होंने नहीं किया। नहीं तो हम क्या कभी कभी अननेसेसरी प्रजल्प कर सकते हैं, तीन घंटा आपने लगा दिया किसी के साथ जस्ट फालतू के डिबेट में किसी चीज को स्थापित करने के लिए, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रभुपाद जी क्या एग्जाम्पल देते हैं प्रजल्प के बारे में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रजल्प है वो एक प्रोस्टिट्यूट के समान है, एक वेश्या के समान है। कैसे, वैसे क्या करती है, पति के और पत्नी के फिगर दिमाग में अपने लाइए, जो वैसे क्या करती है, पति को पत्नी से दूर कर देती है, पत्नी को, राइट ना। तो उसी प्रकार से हम जो है प्रजल्प अगर सुनेंगे तो क्या, वो हमें कृष्ण से दूर कर देंगे, क्योंकि क्या हमारा आकर्षण उधर कर देंगे, राइट। प्रजल्प जो है उधर कर देंगे, तो हम भगवान को छोड़ करके उसके पीछे भागेंगे। तो इसीलिए इस चीजों को नहीं, हमें प्रजल्प से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। प्रजल्प का मतलब क्या है, यूजलेस टॉक, जो कि भगवान से संबंध नहीं है कुछ भी, वैसे टॉक्स को हम बोलते हैं प्रजल्प, ठीक है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, तो हम लोग जब चार्ट को देखेंगे तो वापस चार्ट के समय में जो कुछ उदाहरण जो छूट जा रहे हैं अभी, उसको हम चार्ट करते समय हम लोग वो कर लेंगे। तो नियम आग्रह, नियम आग्रह का मतलब होता है कि स्वीकार करना उत्सुकता के साथ, दैट्स अ प्रोपाज इज राइटिंग एग्जैक्ट वर्ड, स्वीकार करने के लिए उत्सुकता किसको। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात रहती है कि एक्सेप्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट फॉर नेमसेक एंड नॉट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज अ प्रॉब्लम। इसको हिंदी में लिखा गया है कि नाम के लिए नियमों और कानूनों का पालन करना, रेगुलेशन का पालन करना, न कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इसे आग्रह कहा जाता है, ठीक है। स्वीकार तो किए हैं आपने, इसको रिजेक्ट नहीं किया आपने, क्योंकि आग्रह उसे टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। स्वीकार किया, लेकिन आपका एम क्या है, नाम प्रसिद्धि, कि नाम प्रसिद्धि या फिर दूसरों क्या, जस्ट नेम सेक के लिए रिचुअलिस्टिक वे में आप करते हो नाम, जैसे कि आप अटेंडेंस है, अटेंडेंस मान लीजिए भक्तों को मंगल आचरण के लिए अटेंडेंस रखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि वो एक रिचुअल की तरह आग्रह की तरह करेंगे तो कैसे होगा। अब मान लीजिए कि आपका एम क्या होना चाहिए, आपका आने का कारण क्या होना चाहिए, कि राधा रमन जी हैं उनके दर्शन के लिए जाना है, लेकिन सोचोगे क्या कि हम नियम इसलिए पालन करेंगे अटेंडेंस है, मान लो कि 5 मिनट लेट हो गया, अब तो आप सेंटी लगने वाला है तो हम क्यों जाएं, तो नियम आग्रह हो गया। आपका जो भगवान को देखने के और जो दर्शन करने की इच्छा है वो केवल के नाम मात्र के लिए, आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए नहीं है, तो वो आग्रह में आ जाता है। हम और भी उदाहरण देखेंगे आगे चल करके। तो जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग जो हो सकते बहुत ही अच्छा मंत्र चैंट कर सकते हैं, जो कि भी था भी, जब प्रभुपाद जी आए तो कुछ लोग कहते थे कि आपके भक्त को संस्कृत आता है क्या, रिसाइट कर सकते हैं क्या श्लोक अच्छे से, तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, शायद वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका
इंटरजेंट क्या होना चाहिए, वो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भले ही जो दूसरे डिवोटी हैं वो संस्कृत चैंट नहीं कर सकते हैं रिचुअलिस्टिक वे में, बट दे नो, वो जानते हैं कि वो कौन है, भगवान कौन है, उनके बीच का संबंध क्या है, उन्हें कैसे प्राप्त करना है, अभी देख क्या है, उन्हें कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं केवल फ्यूचर एडवांसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि जस्ट नेम से। और जो हम फॉलोइंग द स्पिरिट, हाँ नियम आग्रह में एक और बात आता है, एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि नियम आग्रह का मतलब क्या है कि हमें फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ नॉट द लेटर ऑफ द लॉ। मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो कुछ लॉ के ग्रामर कानून वर्ड दे रहा था तो वो सही बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही रहने दिया। इसका मतलब क्या है कि हम जब कोई भी काम करते हैं उसके पीछे का स्पिरिट क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, वो देखना चाहिए, ना कि जो शब्दों में है। जैसे उदाहरण देखिए आप कि एक बार क्या होता है कि एक साधु महात्मा होते हैं, उनका एक शिष्य होता है और एक घोड़े की सवारी कर रहे थे वो और कहीं जा रहे थे। अब मेरे को दूसरा फिगर नहीं मिला, यही घोड़े का फिगर था तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। तो घोड़े की सवारी कर रहे थे तो पहले बैठे थे यहाँ पे और जा रहे थे, तो पहली बार क्या हुआ उनके झोली से, बाबा जी की झोली से कुछ गिर गया। जब बाबा जी की झोली से कुछ गिर गया तो अपना चलना तो नहीं उठाया था, मूर्ख उठाना चाहिए ना, हाँ तुम्हारा मेरा कमंडलू गिर गया मैं कैसे आगे कल से पानी पीऊंगा, तुम्हें उठाना चाहिए। शिष्य को बोले नहीं ठीक है गुरु महाराज जब से उठाऊंगा। तो वो आगे चले तो अगले बार क्या किया उसने, उसके बार घोड़े ने क्या किया, स्टूल पास किया, घोड़े ने विष्ठा त्यागा तो बोले गुरु जी ने बोला उठाना लेटर ऑफ द लॉ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि लेटर ऑफ द लॉ को नहीं पालन करना है, तो स्पिरिट नहीं समझा उसने, उसने क्या देखा लेटर, क्या बोला गुरु ने उठाना है तो बस उठाना है, कुछ भी गिरा है उसे उठाना है। तो घोड़े ने विश्वास त्याग दिया, उसे भी भगवान अरे हटा इसको क्या कर रहे हैं ये नहीं है। तो गुरु जी आपने ही कहा, गुरु अब आज्ञा कैसे कर सकते हैं हम, बोले हे भगवान ठीक है ला नोटबुक ला। गुरु को लिख के दिया ये गिर जाए, मेरा पेन गिर जाए, मेरा चश्मा गिर जाए, मेरा लैपटॉप गिर जाए, आधुनिक गुरु होंगे तो वो सब गिर जाए तो लेते आना और दूसरी चीजें नहीं तो ठीक है। तो अभी करके गुरु जी ही गिर गए तो लिस्ट निकाला, हाँ गुरु जी का नाम नहीं है निकल गया। तो इसको बोलते हैं फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो आग्रह में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी चीज को इंटेंशन को समझे, उसके पीछे लिखे हुए कारण को समझे। कभी कभी क्या होता है कि हम शुरू करते हैं बट उसके पीछे अगर इंटेंशन को नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए हमें स्पिरिट ऑफ द लॉ हमें देखना चाहिए ना कि लेटर ऑफ द लॉ। ये क्लियर है। दूसरा जो उदाहरण आता है ये काफी तुमने सुना भी होगा कि जूते यहाँ उतारे हैं। एक बार फैमिली भगवान के दर्शन के लिए आ रही थी, तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, स्पिरिट क्या है कि भगवान के मंदिर में आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, लेकिन दरवाजा वहाँ खड़ा था गार्ड, तो वो लोग जो क्या के कार में अपना चप्पल खोल के अंदर जा रहे थे तो बोले हाँ चप्पल क्यों दे रहे आपका, बोला गार्ड हाँ क्या लिखा है पढ़िए 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 क्या लिखा है, जूते यहाँ उतारो, तो जूते आपको यहाँ उतारने होंगे गाड़ी में नहीं उतार रहे हैं तो क्या हो गया लेटर ऑफ द लॉ हो गया ना कि स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो इसलिए नियम आग्रह का मतलब है कि नियम पालन तो करते हो लेकिन बिना समझे हुए रिचुअलिस्टिक वे में करते हो, और एक दूसरा इसमें एक्सट्रीम ये होता है, और जो बिल्कुल ही दूसरा एक्सट्रीम है वो क्या है नियम आग्रह, जहाँ पे आप स्वीकार ही नहीं करते हो मैं कुछ नियम कानून पालन नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, खाओ पियो मजा करो, मेरा लाइफ क्या लोग बोलते हैं माई लाइफ माई रूल, ये आप कह सकते हो, भगवान नहीं कहते हैं, वेदास नहीं कहते, शास्त्र नहीं कहते हैं, अब बोलो आप क्या करो अपना माइंड लाइफ माइंड रूल आग में हाथ डालो चेक करो क्या आप करो क्या कहता है। ऐसा बताते हैं रूपा जी के जगह उदाहरण में कि 3 साल का बच्चा 1 साल का बच्चा कितना भी छोटा बच्चा है उसे पता नहीं है कि अगर हाथ आग में हाथ डाले हाथ जल जाएगा तो आग नहीं जलाएगी, उसे आग फिर भी जलाएगी। आप जानो ना जानो जो लॉ है वो काम करेगा। तो ये लोगों का बोलना कि हम कोई भी नियम स्वीकार नहीं करेंगे वही उनको फिर जालेगी मजे चखाएगी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश के रूप में, क्योंकि जब तक ये शरीर मिलते रहेगा तो वो होते रहेगा, और इसीलिए हमें या तो आदि दैविक मतलब अंतरंग शक्ति का सहारा लेना है या फिर बहिरंग शक्ति का सहारा लेना है, राइट। तो ये जो लोग चार नियम पालन कोई नियम पालन नहीं करना है तो मांसाहार करेंगे, जुआ खेलेंगे, पर स्त्री संग करेंगे या पर पुरुष संग करेंगे, ये चारों नियम को जुआ खेलेंगे और ये सारे चीज़ गलत करेंगे, तो ये अग्रह में आ जाएगा नियम अग्रह, ठीक है। तो अभी हमारे पास 5 मिनट समय है और तो मैं चार्ट से रिवीजन करा दूं
कि इसी को आगे लेके चलो, इसी को आगे लेके चलो, कल रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो जन संग्रह है तो अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह हो गया। अब जन संघ तो संघ का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे आप में से लिख करके, आप लोग बताए। जो मेटलिस्टिक लोग हैं उनके साथ संघ करना, एसोसिएशन, एसोसिएशन संघ, जैसे कि हम लोग साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, ये संघ हुआ कि नहीं? आप जो बोल रहे हो संघ का मतलब है कि उनसे ज्यादा देर तक मतलब बात करते रहना, किसी भी चीज से। हां तो हम लोग बैठ करके दोनों भक्त संघ करेंगे, मूवी जाएंगे, ये संघ हुआ कि नहीं? भगवान मैं नहीं करते हैं उनका संघ। हां मैं जन संघ के तो बात है, अभी संघ की बात हो रही है, संघ किसे कहेगा? संघ मतलब उस चीज से हम कह रहे हो लेना है, जैसे अगर वो कह रहे कि मतलब आप ये करो वो करो तो जो हमारे काम में नहीं वो हम उनसे क्यों लें? जी तो संग लेने की जो बात आती है तो संग को अगर डिफाइन करेंगे तो आप करेंगे विचारों का आदान प्रदान, एक लाइन में आप विचारों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं उसे हम संग कहेंगे, राइट। अगर आप क्या करते हो, कोई लोग बोले कि इस दुनिया में तो सारे भौतिकवादी लोग भी बड़े हैं तो हम कैसे त्यागे जनसंघ को, मतलब बस अपना विचार दीजिए उनसे लीजिए मत, हो गया आपने संग दिया उसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब उनसे आप विचार लेकर आएंगे तो आपकी भक्ति प्रदूषित हुई कि ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जनसंघ का मतलब होता है कि बैडली वर्ल्डली पीपल, क्योंकि क्या है उन्हें अत्याहार करना है, बहुत ज्यादा कलेक्शन करना है, तो सोचेंगे क्या प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे चल रहा है, यहाँ से पैसा वहां डालना है, वहां पे यहाँ डालना है, क्योंकि क्या करना है वैसे घर जाना है तो सुमोच कलेक्शन चाहिए, उसके लिए प्रयास करेंगे और फिर ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे, राइट। तो जनसंघ का मतलब है कि ऐसे लोग जो टूमच कलेक्शन में लगे हैं, क्योंकि उनका एम क्या है, कोई आग्रह है, कोई नियम स्वीकार नहीं करना, अपने अनुसार चलना है, ऐसे बैडली जो व्यक्ति है, जो खराब व्यक्ति है, उनका संघ हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे जनसंघ नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, एक उदाहरण यहाँ पे आता है कि अगर आपका गलत संघ है, राइट, गलत संघ है तो क्या होगा, आपको गलत इच्छा आएगी, और गलत इच्छा है तो आपके मन की स्थिति वैसी बन जाएगी, मन की स्थिति आपको बदल जाएगा, मन की स्थिति बदल जाएगी तो क्या होगा, आपका संदेह पैदा होगा। सोधन बता सकते हैं कुछ शास्त्र से ऐसा? अजामिल का संघ किसके साथ हुआ, गलत संघ? ओके हाँ ले सकते हैं, अजामिल कभी आएगा उसका, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, अगर देखता नहीं उसका मन में आता नहीं तो वो भी है, लेकिन आप व्यक्तिगत मोर स्पेसिफिक अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हम किसका देख सकते हैं, मंथरा का। तो मंथरा के साथ क्या होता है, मंथरा जो थी हाँ उसने संग किया, गलत संग हो गया ना, तो गलत संग से क्या होगा, उसे गलत इच्छा आ गई, बोलने लगी अरे तुम दासी बन जाओगी, वो राजमाता और तुम राजमाता दासी, तुम्हारा बेटा वो राजा और ये क्या हो जाएगा, दासी, दास हो जाएगा। तो ये झुंझुन का गलत संग, गलत इच्छा दी तो इसका मन का भाव बदलने लगा। अगर आप जानेंगे रामायण में, आगे प्रभु जी रामायण लेने वाले हैं, राम को जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो कौन था, कैकेयी थी। राम जब गुरुकुल से वापस आए तो कहाँ पहले गए, वो उनके अपनी माँ के पास भी नहीं गए, कौशल्या के पास नहीं गए, कहाँ गए, कैकेयी के पास गए। तो इतना प्रेम था एक्चुअली, और एक्चुअली ऐसा नहीं था, वास्तव में प्रेम था कैकेयी को राम से, लेकिन गलत संघ, यही है जनसंघ। जो जनसंघ के लिए एक पॉइंट से लेकर आप समझ सकते हो, ये जनसंघ है इसके कारण उनका पूरा, अब देखिए रामायण में क्या होता है, राइट। उदाहरण का ये मंत्र है, कोई अच्छा उदाहरण आप सोच सकते हो, अच्छा उदाहरण कोई एग्जैक्टली नारद मुनि और प्रहलाद महाराज, नारद मुनि के साधु संघ, हाँ वो भी हो सकता है, मैंने हाँ मृगारी हम यहाँ पे उदाहरण लिए हैं कि अगर आप क्या करोगे, थैंक यू, तो मृगारी का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। तो सही संगति है तो सही इच्छा होगी आपको, और क्या होगा, आपका मन मानसिक परिवर्तन भी होगा। और एक चीज बहुत थीम लाइन है, तीन चार श्लोकों के लिए क्या है कि हमने पहले दिन बताया था कि हमारा जो एसोसिएशन है वो परसेप्शन क्रिएट करता है, हमारा संघ जो है, साधु संघ जो है, कैसे लोगों से संघ कर रहे हो आपका परसेप्शन क्रिएट करता है। अगर हम संगति करेंगे अच्छे लोगों से तो वहां पर मेरा मानसिक परिवर्तन होगा। आप उदाहरण देख सकते हैं मृगारी और नारद मुनि का, जो पहली बार मृगारी आता है तो उसे लोगों को मार के आधा मारता था, उसमें उसे आनंद आता था, लेकिन जैसे ही नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, जब अगली बार आते हैं तो देखिए क्या कर रहा है मृगारी, वो दंडवत नहीं मार पा रहा था, मतलब ऊपर नीचे उठ रहा था, बैठ रहा था। तो लोगों से कहा क्या कर रहे हो, पर्वत मुनि भी उसके साथ आए थे नारद मुनि के साथ, तो बोलते अरे कर क्या रहे हो, बोलो कि जो व्यक्ति आधा मारने में उसे आनंद आता था वो भी क्या सोच रहा है, चीटर मर जाएगी तो मैं दंडवत कैसे मारूं, सोचिए। तो कहां तक परिवर्तन हो सकता है,
अच्छा संग्रह है तुम्हारा, आप देख सकते हैं। अरे तो समय तो समाप्त हो चुका है, हाँ तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे। लेकिन अब हमने आज क्या क्या सीखा वो हम कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास इमीडिएटली स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा लेना आगे सही नहीं है। तो हम सभी को यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आप लोग फिर से कल हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।